नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का बहुत ही आसान और सुंदर डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और फिर दूसरे कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, अगले फंदे को स्लिप करना है। सीधा, फिर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर ऐसे हम पर्ल वाइज सिलाई डाल के तब स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो इस तरह हमने एक फंदा सीधा बुनते हुए अगले फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये है डिजाइन का दूसरा लाइन। तो बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। दो ही फंदे को दोहराना है, एक फंदे को स्लिप करना है, एक फंदे को बुनना है, एक फंदे को स्लिप करना है, एक फंदे को उल्टा बुनना है। तो हमने सेकंड लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का थर्ड लाइन है और हम सामने से हैं। तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से, दूसरे रंग के ऊन से ही अब फिर बुनेंगे। अब की हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, जिसे हमने पिछली लाइन में बुना था उसे स्लिप करेंगे, और दूसरा फंदा जिसे हमने स्लिप किया था उसे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, बुने हुए फंदे को स्लिप करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। पहले लाइन में जिस फंदे को हमने सीधा बुना था, अब की उसे हमें स्लिप करना है, और जिस फंदे को स्लिप किया था उसे हमें सीधा बुनना है। जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे सीधा बुनना है, और जिस फंदे को हमने बुना था उसे स्लिप करना है। ये बुना हुआ फंदा है, इसे स्लिप करना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें सीधा बुनना है। लास्ट फंदा बुना हुआ है, इसे स्लिप करना है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का चौथा लाइन है। तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर देंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन देंगे। अब देखिए, ये हमारा दिखाई दे रहा है दूसरे रंग वाला, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसी को हमें बुनना है। ये देखिए, ये बुना हुआ फंदा इसे हमें बुनना है, और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे स्लिप कर देना है। बुना हुआ फंदा इसे उल्टा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। तो हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं दोनों लाइनों, अब हम एक रंग के ऊन से हमारा चार लाइन हमने बुन लिया। अब हम फिर पहले वाला रंग लेंगे, यानी प्राइमरी कलर से हम बुनेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, यानी अपना पहला लाइन हम दोहराएंगे अपने प्राइमरी कलर से। एक फंदा सीधा बुना, दूसरे फंदे को स्लिप किया, फिर पहले नेक्स्ट फंदे को सीधा, फिर स्लिप, फिर सीधा, फिर स्लिप। एक फंदे को सीधा बुनना है और अगले फंदे को स्लिप करना है। पांचवी लाइन में हम अपना पहला लाइन दोहराएंगे, लेकिन हम उनका कलर बदल देंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। देखिए, ये बुना हुआ फंदा है तो उसे उल्टा बुनेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे स्लिप कर देंगे। बुने हुए फंदा को उल्टा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम पांचवी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ आ जाते हैं। तो हमने अपना छठा लाइन कंप्लीट कर दिया। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही बुनेंगे। तो देखिए, हमने पांचवी लाइन में ये फंदा बुना था, तो सातवीं लाइन में हमें अब की इस फंदे को स्लिप करना है। तो
तो स्लिप किया, देखिए ये फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसे हमें बुनना है, यानी दूसरे कलर वाला जो भी फंदा है उसे हमें बुनना है और जो इसी कलर का फंदा है उसे हमें स्लिप कर लेना है। रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। तो दो ही लाइन का डिजाइन है और हमें तो दो ही फंदे का और चार लाइन का ये डिजाइन है, देखिए कितना खूबसूरत है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन हम दूसरे रंग के ऊन से बना रहे हैं। डिजाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है, आप इसे अपने स्वेटर में जरूर आजमाएं। इतना खूबसूरत डिजाइन है कि इसे बना के जी खुश हो जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।